खुदा गवाह फिल्म आई थी अमिताभ की जी, बच्चन साहब की, आपके फेवरेट है, खुदा गवाह, खुदा गवाह, हाँ हाँ। उसमें एक डायलॉग था, ज्यादा मत सोचो लाले दी जान, जब सोच गहरी हो जाती तो इरादे कमजोर हो जाते। तो क्या हिंदुस्तान उस फेज में आ गया है जब दुनिया भर में क्या चल रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है? आप तो सबसे पहले इंडियन हैं जो वाकई में ग्लोबल हुए, अभी भी आप दुबई में बैठ के पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं, तो ये सब दुनिया में जो कुछ चल रहा है उससे डरना या इग्नोर, जस्ट इग्नोर? खुदा गवाह जो पिक्चर थी ना उसकी एक और बहुत बढ़िया डायलॉग थी जी। वो अमिताभ बच्चन कुछ इंडिया चला जाता अफगानिस्तान से, कुछ उसका कुछ वायदा था निभाने के लिए जी जी, ये सच कोई कहानी थी ना? एब्सोल्युटली। और श्रीदेवी पागल हो जाती है इंतजार करते करते, और वो रोड पे लोगों को रोक रोक के कहती थी बादशाह खान एक दिन आएगा, वो जरूर आएगा। बादशाह खान आया, वो बेचारा जेल में चला गया था वहां पे। तो अभी जो इक्विटी मार्केट की जो स्थिति है हमारी, जो रिटेल इन्वेस्टर्स की जो बाइंग पावर उभर के आई है, जो यहां पर दे रिप्रेजेंट रिटेल इन्वेस्टर्स, तो मैं इस मीटिंग के पहले बात यही कर रहा था कि हमारी थ्योरी थी अर्ली 90 से, कभी ना कभी ये रिटेल इन्वेस्टर जरूर आएगा और पूरे फोर्स से आएगा, और एक ना एक दिन वो बादशाह गान बन के घोड़े पे दौड़ता हुआ आके बचा लेगा श्रीदेवी को। वो आ गया बच्चा, फाइनली 25 साल के बाद करण अर्जुन आ गए। और हम लोग सब श्रीदेवी थे, सब हमें पागल कहते थे। तो करण अर्जुन दो तरीके से आए, एक तो ये सारे के सारे हैं और दूसरे थोड़े इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के जरिए, म्यूचुअल फंड में भी इंडिया का रिटेल इंडस्ट्री है। तो बेसिकली अब अगले 25 साल रिटेल स्टोरी आपके साथ 100% इंडिया में 100%। चले अब वापस घर, हो गया ना, आगे बोलना क्या? अगले 25 साल की स्टोरी क्लियर है सर, मतलब आप बुलिश हैं सर? एक लाइन का स्टोरी है, इंडिया ही है और कुछ नहीं है। रामदेव सर।